आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन जो आपको मिलता है 8000 के अंदर में। पांचों के पांचों फोन 4G हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पांचवें नंबर पे जो मोबाइल है वो है मोटो का E30। बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, 6.5 इंच का FHD LCD डिस्प्ले है। परफॉर्मेंस में आप यूरीसॉफ्ट PC का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। LPDDR4X 2.2 का स्टोरेज टाइप है। इसमें अगर आप छोटे मोटे गेम करना चाहते हैं तो आराम से कर पाएंगे। इसमें आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। बात करें इसकी प्राइस की तो 4GB 64GB का वेरिएंट आपको 7999 रुपए का मिल जाता है। नेक्स्ट फोन जो है हमारा फोन नंबर पे जो है रेडमी का 10A। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 6.5 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले है। परफॉर्मेंस में आपको MediaTek की हेलो G25। बैटरी में आपको 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है। कैमरे में आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है। फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इसके बाद इसमें आपको रेन फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और रैंक बूस्टर भी इसमें अवेलेबल है अप 5GB तक। बात करें इसकी प्राइस की तो 4GB 64GB के वेरिएंट आपको 8299। बढ़ते हैं लिस्ट के थर्ड नंबर स्मार्टफोन पे जो कि है रियलमी का C31। इसमें भी आपको 6.5 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है। 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ यूनिसेक 612 प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। अगर इसमें कैमरे की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। इसमें भी आपको 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है। अब फाइनली बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, 4GB का वेरिएंट आपको 8799 का। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड नंबर वाले फोन की ओर जो है इन्फिनिक्स का हॉट 12 प्ले। इसमें आपको 6.82 का HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस में आपको यूनिसॉक T610 का चिपसेट है। बात करें इसकी बैटरी की तो इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलता है। बात करें इसकी कैमरे का तो 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें इसकी प्राइस की तो 4GB 64GB का वेरिएंट आपको 8499 रुपए का। इसका जो प्राइस है वो 500 रुपए ज्यादा है, बट बैंक ऑफर आप अप्लाई करते हैं तो अंडर 8000 में आपको मिल जाता है। फाइनली बढ़ते हैं अपने फर्स्ट नंबर वाले फोन के ऊपर जो कि है मोटो का A40। इसमें आपको 6.5 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है और इस फोन में आपको 90Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। इसमें आपको ऑक्टा कोर का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि है यूनिसॉक का T700। और बात करें इसकी कैमरे की तो 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल सेट कैमरा है और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अगर आपको अंडर 8000 के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो मोटो का E40 को जरूर चेकआउट कीजिएगा। और फाइनली बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की तो 4GB 64GB का वेरिएंट आपको 8500 रुपए का। प्राइस इसका भी 500 रुपए ज्यादा है, बट बैंक ऑफर आप अप्लाई करेंगे तो आपको अंडर 8000 में मिल जाएगा। तो ये थी बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 8000। आपको इन पांचों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा।